का सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए दुनिया भर में 1000 करोड़ के पार पहुंची है। इंडियन सिनेमा की पहली मूवी बनी है जिसने अपने रिलीज के 2 ही हफ्तों में 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। मूवी की बात की जाए तो मूवी का नाम था कल्कि। मूवी में दिखने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार की बात की जाए तो उनका नाम था प्रभास, जिसकी दुनिया दीवानी है। और कुछ ऐसा सीन कल्कि के साथ हुआ। कल्कि को काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। पहले वीकेंड की बात की जाए तो पहले वीकेंड में मूवी ने तमाम बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे। साल 2023 की तमाम बड़ी फिल्मों को बीट किया था। पहले वीकेंड में मूवी ने इंडिया से 414 करोड़ रुपए कमाकर साल 2023 की जितनी बड़ी फिल्में थी, जिनमें शाहरुख खान की कई बड़ी फिल्में शामिल थी, उन तमाम बड़ी फिल्मों को भी बीट किया था। यह सबसे कम दिनों में 500 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी बनी थी, जिसने अपने रिलीज के पहले ही दिन दुनिया भर से 200 करोड़ रुपए कमाकर टॉप 3 में जगह बनाई थी। अब पहला वीकेंड था तो प्रभास की जो फिल्में होती है वो मेगा बजट फिल्में होती है, पहले वीकेंड में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। और कल्कि ने भी वैसा रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन जैसे ही दूसरा वीकेंड शुरू हुआ था लोगों की नजर मूवी से हट चुकी थी। लोग मूवी को पसंद नहीं कर रहे थे और दूसरे वीकेंड का जो डाटा है वो चौंकाने वाला है। और दूसरे हफ्ते की कमाई की बात की जाए तो दूसरे हफ्ते की कमाई में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी। वर्किंग डे की बात की जाए तो वर्किंग डे में मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और अभी मूवी सिंगल डिजिट में चली है, जो कि मूवी के मेकर्स को कहीं ना कहीं चिंतित भी करेगा, क्योंकि प्रभास एक लंबे डिजिट के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में बड़े आंकड़े छूती है, हालांकि कल्कि ने भी वो आंकड़े छुए। बात की जाए 13वें दिन की तो 13वें दिन मूवी ने जो कमाई की है वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए की है, जो कि डबल डिजिट में चली है, जो कि मूवी के फेवर में चला है। लेकिन अगले दिन की बात की जाए तो 14वें दिन मूवी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। और अब तक की कम्प्लीट कमाई की बात की जाए तो दूसरे वीकेंड के जो सैटरडे और संडे थे वहां पर मूवी ने काफी अच्छे से डील किया था। सैटरडे को 34 करोड़ रुपए, संडे को मूवी ने 44 करोड़ रुपए कमाए थे। और इसी के साथ इंडिया के मार्केट से मूवी की जो कंप्लीट कमाई हो चुकी है वो 521 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसमें हिंदी में मूवी ने 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ।